आपको हेल्प कर सकता है बिकॉज दे डोंट चार्ज एनी फीस इन स्टार्टिंग. यू हैव टू पे योर यू हैव टू यू डोंट हैव टू पे एनी अ सिंगल पेनी इन द स्टार्टिंग. यू जस्ट नीड टू लर्न योर कॉन्सेप्ट एंड गेट अ न्यू जॉब. तो ठीक है, इन स्टार्टिंग यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. तो इंडस्ट्री क्या करती है, दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर कैरियर इन टेक. इधर यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड अ वुमन विद नो कोडिंग बैकग्राउंड, सो दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर कैरियर इन टेक. तो यार इससे अच्छा क्या हो सकता है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन द स्टार्टिंग. यू हैव टू पे व्हेन यू गेट अ जॉब. तो आप डेफिनेटली चेक करना न्यूट्रिशन के बारे में. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. तो इस वीडियो में देखने वाले कि एक कोड है रिवर्स एरे. इसका ना पहला अप्रोच देखेंगे कि विथ यूजिंग अनदर एरे. इसको रिवर्स करेंगे, पहले हम अपने अपने जो हमारे एरे गिवन है इसको रिवर्स करेंगे, एक दूसरे एरे को एरे का हेल्प देके करेंगे. उसके बाद एक दूसरा अप्रोच है टू पॉइंटर्स अप्रोच. टू पॉइंटर्स अप्रोच उसको डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखने वाले हैं. बट अभी देखने वाले हैं कि हमें एक एरे गिवन है उसको रिवर्स करना है. बट उसको ना रिवर्स करेंगे तो पहले आप सोचो कि आप रिवर्स कैसे कर सकते हो इस एरे को. मतलब वो बोले कि रिवर्स करना, तो कैसे रिवर्स करोगे. मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक एक्स्ट्रा एरे लेके, आप देखो कि आप कैसे करोगे रिवर्स इसको. क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें एक एरे गिवन है, ये हमारा एरे है और हमें इसको रिवर्स करना है. रिवर्स करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये अभी ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है इसकी, हो रही है ना. जब रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखना. स्टार्टिंग में 0, 10, 6, 8, 5, 2, 1 ये आपका एरे अब ऐसा बन जाएगा. इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, अब उल्टा हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया पूरा उल्टा. तो आपको कुछ हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें अपने एरे को पूरा रिवर्स करना है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो लास्ट में चल जाए और इंडेक्सिंग तो उल्टा हो ही जाएगी अगर हमारा एरे हो रहा उल्टा हो रहा है. तो ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है, अपने एरे को रिवर्स करना है. अब देखो मैंने क्या बोला कि मैं एक एक्स्ट्रा एरे ले लूंगा उसके बाद कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना रिवर्सिंग वाला वर्क करूंगा. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सबसे पहली बात बताना कि हमें एक्स्ट्रा एरे लेना है. जो हम एक्स्ट्रा एरे लेंगे इसका साइज कितना होगा, मतलब जो हम एक्स्ट्रा एरे बनाने वाले हैं उसमें एलिमेंट कितने एलिमेंट रख सकते हैं मैक्स टू मैक्स, जितने एलिमेंट इसमें है. क्योंकि हम इसी एरे को तो स्वैप करके यहाँ, मतलब रिवर्स करके यहाँ पे लाने वाले हैं, तो जितने एलिमेंट इसमें है वही सेम एलिमेंट यहाँ भी आएंगे ना, यहाँ भी आएंगे सेम एलिमेंट्स. तो हमें सेम साइज का एरे बनाना पड़ेगा. तो इसका साइज कितना है, 7. तो बना लो 7 साइज का एरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब देखो कि क्या करना है हमें, और हमें एलिमेंट्स कहाँ से कर, मतलब यहाँ पे कैसे फिल करना है. तो लास्ट का एलिमेंट है ना वो पहले आएगा, उसके बाद इसका सेकंड लास्ट आएगा, फिर ये आएगा आगे, फिर ये आएगा, फिर ये ऐसे ही, एंड ये वाला एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा. ऐसे करना हमें कुछ, तो जो लास्ट का एलिमेंट है सबसे आगे आएगा. मतलब क्या कि हमें अपने लास्ट वाले एलिमेंट, आपका जो हमारा जो लास्ट का एलिमेंट है उसको सबसे आगे प्लेस करना है, एंड अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को सबसे लास्ट में प्लेस करना है. तो कैसे होगा ऐसे, ये तभी होगा जब हम लास्ट से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे. तो जब हम अपने अपने एरे के एंड से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे तभी हमारा लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले हमें मिलेगा. जब हमें मिलेगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लेके लास्ट से उठा के अपने नए एरे में, लिख देता हूँ न्यू एरे है हमारा, न्यू एरे के स्टार्टिंग पे रख देंगे इसको. तो यहाँ पे आ गया 0. उसके बाद फिर लास्ट से एक कम और कम हुए, 10 पे आ गए. यहाँ पे 10 आया, 10 को उठा के यहाँ रख दो. एक थोड़ा और कम हो जाओ 10 से, 6 पे आ जाओ, 6 को उठा के यहाँ पे, यहाँ था यहाँ रख दो. 8 पे आ जाओ, ये 10 है, 8 पे आ जाओ, 8 कहाँ, 8 को कहाँ है यहाँ पे रख दो. 5 एक और कम करो, 5 पे आ जाओ, 5 को यहाँ रख दो. एक और कम करो, 2 पे आ जाओ, 2 को यहाँ रख दो. एक और कम करो, 1 पे आ जाओ, 1 को यहाँ रख दो. अब जैसे आप कम करोगे ना यार, आपकी वैल्यू, आपकी जो इंडेक्सिंग होगी नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि लास्ट में 0 था. तो जैसे ही आपने देखा कि यार आपकी इंडेक्स, आपकी आपकी जो एरे में इंडेक्स है ना वो निगेटिव में जा रही है, बस वही खत्म, रुक जाओ आप. आपका देखो ये वाला एरे फिल हो गया, रिवर्स हो गया पूरा, एंड ये आपका ओरिजिनल एरे था. ठीक है, तो बस हमें देखते हैं इसको कैसे कोड लिख सकते हैं एक बार, एंड लास्ट में थोड़ा इसका डायरेक्ट में देख लेंगे कि एक्चुअली कैसे काम करता है ये. देखो सबसे पहले नॉर्मल ट्रैवल के लिए ले लो. बट आप मुझे ये बता दें कि कहाँ इस बार मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा. मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे हर बार पहली वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू मिलेगी, ये स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे 0, मतलब लास्ट वाली वैल्यू पहले चाहिए. मतलब यहाँ मुझे 0 चाहिए, जो 0 है ना लास्ट में पड़ी हुई मुझे सबसे पहले चाहिए. अगर मुझे पहले से चाहिए, अगर मुझे सबसे पहले मिलेगी तो उसको मैं क्या करूंगा, अपने फर्स्ट वाले एरे के 0 इंडेक्स पे रख दूंगा यहाँ पे. तो इसीलिए मुझे 0 सबसे पहले चाहिए. तो 0 कौन से इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स पे है. तो इस बार अपनी लूप पे स्टार्ट करेंगे लास्ट से, एरे डॉट लेंथ -1. ठीक
ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, जब तक आपकी आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी है तब तक चलेगा लूप, और आई को इस पर निगेटिव करेंगे, मतलब हम यहाँ पीछे से आगे से पीछे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, तो घट रहा है वैल्यू हमारा, कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे आई माइनस वन, ना कि आई प्लस प्लस। तो ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब देखो क्या करना है आपको, ये आपका न्यू एरे है, तो एक क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ इंट इंडेक्स करके, उसको स्टार्ट, उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, तो अपने न्यू एरे के इंडेक्स पे ये रख दो वैल्यू एरे ऑफ आई को, और अपने इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाओ। देखो मैंने क्या किया है, आपके एरे पे, एरे ऑफ आई पे मतलब क्या, एरे ऑफ एन, सबसे पहले एरे ऑफ आई मतलब क्या, एरे ऑफ आई का मतलब क्या है, 6। एरे ऑफ 6 पे जो वैल्यू पड़ी मतलब 0, 0 को लो और क्या कर दो न्यू एरे के इंडेक्स पे, न्यू एरे इंडेक्स मतलब क्या, 0, न्यू एरे के 0 इंडेक्स पे प्लेस कर दो, मतलब क्या 0 यहाँ पे आ गया। फिर देखो फिर क्या किया हमने यहाँ पे, फिर क्या किया, एरे ऑफ आई, आई घटा एक 5 पे आ गया, आई की वैल्यू हुई 5। एरे ऑफ 5 पे जो वैल्यू पड़ी है मतलब 10, 10 को लो यहाँ से एंड इसको स्टोर कर दो इंडेक्स पे, न्यू एरे के इंडेक्स पे। तो हमने क्या किया, इंडेक्स 0 तो पहले 0 था, अब क्या हो गया प्लस प्लस कर दिया तो इंडेक्स हो गया 1, तो यहाँ पे स्टोर कर दो 1 को, 10, 10 को स्टोर कर दो इंडेक्स 1 पे न्यू एरे के। ये हमने कर दिया इतना, अब हो गया। अब फिर से क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 4, तो एरे के फोर्थ इंडेक्स, एरे के सॉरी एरे के, हाँ एरे के फोर्थ इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है 6, उसको उठाओ और न्यू एरे के थर्ड इंडेक्स पे उसको स्टोर कर दो सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, ये हो गया, हमने फिर से ऐसे कर दिया, सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे आ गया। अब आई की वैल्यू हो गई 3, एरे के थर्ड इंडेक्स, इंडेक्स जो वैल्यू पड़ी है ना उसको यहाँ पे लो, उसको स्टोर कर दो न्यू इंडेक्स के थर्ड, न्यू एरे के थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे 8 स्टोर कर दिया। आई की वैल्यू हो गई 2, ये लूप घट रहा है ना, ये लूप घट रहा है, ये देखना यहाँ पे लूप यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आई की वैल्यू हो गई 2। एरे के सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है मतलब 5, 5 को लो और इंडेक्स के, और न्यू एरे के फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर कर दो, कर दिया हमने स्टोर। आई की वैल्यू एक और घटी है वो भी 1, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 1, 2, इसको लो एंड इसको एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे, न्यू एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर कर दो। ठीक है, ये हो गई 6, आई इंडेक्स वैल्यू 6 हो गई, क्योंकि हर बार बढ़ रही है ना, एक एक आप जब भी कोई काम करोगे आप उसका, उसके बाद इसको इसको इंक्रीमेंट कर रहे हो एक से। अब एक बार ये फिर से कटा, ये हो गया 0, एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 1, उसको लो और इसको न्यू एरे के फिफ्थ सिक्स इंडेक्स पे स्टोर कर दो, कर दिया आपने। देखो आपका पूरा एरे हो गया रिवर्स, बस कुछ नहीं करना, आपने रिवर्स एरे को प्रिंट कर दो आप, वही आपका आंसर है। चलो इसको कोड कर लेते एक बार, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे न्यू एरे बनाना पड़ेगा एक, तो एक न्यू एरे बना लेते हैं। अच्छा न्यू एरे, इसका मैं नाम लेता हूँ न्यू एरे, इसका नेम मैंने ये रख लिया न्यू एरे, जो कि किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारे ओरिजिनल एरे को पॉइंट कर रहा होगा ये, नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं होगा ना इसमें, हमें एम्प्टी एरे बनाना है, ऑफ साइज सेम साइज एन साइज बनाना है। बना लिया हमने, फिर से एक लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल टू एन माइनस वन। सबसे पहले अपने, हमने अपना सबसे पहले अपना एरे बनाया है, अब हम क्या करेंगे, अब उस एरे में एलिमेंट्स कॉपी करेंगे लास्ट से, एन माइनस वन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, तो न्यू एरे ठीक है। यहाँ पे हम, हमें क्या था, एक एम्प्टी एरे बनाना था, अब सेम साइज एन, तो एक यहाँ पे एम्प्टी एरे बना लेते हैं, न्यू एरे, न्यू इंट सेम साइज एन, हमने क्या किया, एम्प्टी एरे बना लिया, अगर जो हमारा पहले कह रहे था उसका साइज एन था, तो हमने क्या किया, नया एरे बनाया ऑफ सेम साइज, तभी तो, अगर हम सेम साइज का एरे नहीं बना पाएंगे, तो अगर सपोज कि पहले वाले हमारे एरे में 5 एलिमेंट है, तो अगर हम अपना जो नया एरे बना रहे हैं अगर उसको 2 साइज का बना दे, तो 5 एलिमेंट कैसे कॉपी कर पाएंगे उसमें, या फिर ज्यादा बना दे तो कुछ स्पेस ज्यादा रह जाएंगे, तो उस इसलिए हम क्या करेंगे, तो हमारा न्यू एरे बनाएंगे, तो उसमें सेम साइज, उस एरे को सेम साइज का बनाएंगे पुराने वाले एरे के साइज का। तो ठीक है, हमने न्यू एरे बना दिया, अब क्या करते हैं, अब हमें एक लास्ट से लूप चलाना है, इंट आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस वन, एंड हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, इंडेक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, अपने न्यू एरे के इंडेक्स पे रख दो एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है उसको रख दो, मतलब एरे के लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अपने न्यू एरे के पहले इंडेक्स पर रखो, उसके बाद क्या करो इंडेक्स को इंक्रीज कर दो पहले हर बार,
बस अब यहाँ पे क्या करो, न्यू एरे को प्रिंट कर दो, हटाओ यहाँ पे एंड इसको फिर रन करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनपुट देना है यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने ले लिया। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओके यहाँ पे एरर आ गया है। अच्छा तो हमने यहाँ पे इंट डिक्लेयर नहीं किया, इंट अब डिक्लेयर कर दिया हमने। देखो ये देखो आप, अगर आप देख सकते हो तो पहले हमारा एरे क्या था, 5, 1, 2, 3, 4, 5 था, एंड अब हमने उसको रिवर्स कर दिया है। तो जो हमारा एरे था पहले ऐसे कुछ था, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा ओरिजिनल एरे था। तो हमने अपना न्यू एरे बनाया, उसमें अपने एलिमेंट्स कॉपी करना स्टार्ट किए। 1 मिनट, उसके बाद हमने क्या किया, अपना एक न्यू एरे बनाया। ये हमारा न्यू एरे है, उसने अपने एलिमेंट्स कॉपी करना स्टार्ट किए। पहले 5 आया, फिर 4 यहाँ आया, फिर 3 यहाँ आया, फिर 2 यहाँ आया, फिर 1 यहाँ आया। ये हमारा न्यू एरे बना। हमने यहाँ पे सारे कॉपी वाला जो कि हमने लास्ट से कॉपी करना स्टार्ट किया है वो सारा काम यहाँ पे हमने किया इस वाले एरे में, एंड लास्ट में यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। फिर तो ये देखो 5, 4, 3, 2, 1 आ रहा है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको, इसमें कुछ कुछ भी नहीं था एंड काफी इजी इजी कोड था ये। एंड इसके अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वहाँ डिस्कस करेंगे सेम को सेम प्रोग्राम, बट उसको डिस्कस करेंगे किसी और लॉजिक से, रिवर्स करने, रिवर्स करके कैसे रिवर्स करते हैं, मतलब कैसे बोलूँ कि मतलब अगर हमें करना हो रिवर्स करना अपने एरे को, तो 2 पॉइंटर से पूछे कैसे कर सकते हैं रिवर्स। मतलब एक पॉइंटर आगे रख लो एरे के, ये हमारा एरे बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, एक पॉइंटर यहाँ रख लो, एक पॉइंटर यहाँ रख लो, अब इन दोनों को रिवर्स करके रिवर्स करने की ट्राई करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसको देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।